तो कितना होशियार भाई बतावे के जरूरत बा का कपड़ा ये लोग गड़बड़ाए वाला नहीं थे। कल तेजस्वी यादव सोनपुर मेला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, वहां उन्होंने भोजपुरी अंदाज में छापरा के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छापरा के लोग कितना होशियार बा समझावे के जरूरत बा का के निकम्मा बा और के काम करे वाला बा ये बतावे के जरूरत बा का। आइए पहले सुनते हैं वो किस अंदाज में वो सभी लोगों को संबोधित करते हुए भोजपुरी में बोल रहे हैं। कपड़ा ये लोग गड़बड़ाए वाला नहीं थे, ये महागठबंधन की सरकार है और हम सभी समाजवादी लोग एकजुट हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को जो उन्होंने निर्णय लिया, जो निर्णय लिया वो बिहार के हित में, देश के भाईचारे के हित में उन्होंने निर्णय लेने का काम किया और लालू जी ने इस निर्णय का स्वागत किया। तो इसलिए आप सब लोग, आज लालू जी की तबीयत ठीक होती तो आज वो आपके बीच होते, लेकिन आप लोगों को पता अभी कुछ दिनों में अभी सिंगापुर से सारा टेस्ट वगैरह करा के वापस लौटे हैं और डॉक्टर ने बताया कि उनको ट्रांसप्लांट कराना है किडनी का, तो ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है वो चल रहा है और वो चल रहा है और कुछ दिनों में वो सिंगापुर जाएंगे अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए। तो आप लोग सब लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग लालू जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि उनका ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप लोगों के बीच दोबारा सेवा में लग जाए। और ये सोनपुर है, यहाँ से तो हमारे पिता विधायक रह चुके हैं, ये तो यहाँ से MP रह चुके हैं और आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। और रहते हुए कितना काम उन्होंने किया, ये बगल में ही दफ्तर है इसका एक्सटेंशन से, भर काम ही है झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और कहीं चेहरा नजर दिया तो कहीं अपना चेहरा उघाड़ करके दिखा दे खाली TV में। तो अब ये सब तो काम चलने वाला नहीं है। और छपड़ा की जनता तो कितना होशियार भाई बतावे की जरूरत बका, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो, तो छपड़ा ये लोग गड़बड़ाए वाला नहीं थे। चिन्हा था कि के नीमन बा के निकम्मा बा, अरे तो चिंता है कि नहीं चिंता, हाथ उठा। जैसा कि आपने सुना तेजस्वी यादव को, उनका कहना है कि मौजूदा जो सरकार है केंद्र में वो सिर्फ बरगलाने का काम करती है, झूठी अफवाह फैलाने का काम करती है, वो निकम्मा है, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करती है। वही उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की कि उनकी सेहत सही नहीं है, अगर सेहत सही होती तो यहाँ वो पहुँचे होते। वो इन्होंने ये भी याद दिलवाया छपरा के लोगों को, सोनपुर के लोगों को, उनके पिता यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे थे DNA न्यूज। धन्यवाद। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।